नाजरीन एक दफ़ा दी गल है, अद्धी दुनिया फतेह करन वाला सिकंदर आजम जिहदा असली नाम अलैगजेंडर सी अपने सिपाहियां दे नाल पहाड़ दी चोटी ते चढ़ गया क्योंकि किसी ने उन्हें दसिया सी कि तेरा उस्ताद पहाड़ दी चोटी दे उत्ते बैठिया होया है। सिकंदर आजम ने पहाड़ ते चढ़ के वेख्या कि उहदा उस्ताद धुप सेक रहा है। सिकंदर आजम ने अपने उस्ताद नूं आख्या, उस्ताद जी मैं तुहाडा शागिर्द अलैगजेंडर दी ग्रेट सिकंदर आजम ते मैं अद्धी दुनिया फतेह की, पर तुसी मेरे उस्ताद हो, मेरे लिए कोई हुक्म लाओ, मैं तुहाडे लिए की कर सकदा। ते उस उस्ताद ने एक अजीम जुमला बोलिया, उन्हें उन्होंने आख्या तू धुप छड़ दे, यानी मैनू धुप इंजॉय कर लैण दे। ये अजीम उस्ताद कौन सी, ये तुहानू असी दसांगे अज दे प्रोग्राम च। सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा मेज़बान वसी अब्बास ते तुसी देख रहे हो इंडोज TV ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन सिकंदर आजम दे उस्ताद दा नाम सी अरस्तू, जी हाँ, जिन्हें यूनान दा सब तो जहीन आदमी आख्या गया। द ग्रेट अफलातून दा शागिर्द अरस्तू एक समझदार अकल रखने वाला ते कमाल इंसान सी। यही वजह सी कि अरस्तू नू यूनान दे शहर एथेंस दा सब तो ज़्यादा जहीन तखलीकी ते जरखेज़ दिमाग रखने वाला इंसान आख्या गया। अरस्तू नू अंग्रेजी जबान च अरिस्टोटल आख्या जाता है, जबकि अरबी ते उर्दू जबान च उन्हां नू अरस्तू ही आख्या जाता है। अरस्तू यूनान दे एक छोटे जिहे शहर स्ट्रागीरा च पैदा होया। होश संभालदे ही अरस्तू ने अपनी सारी जिंदगी अफलातून दे हवाले कर दिती। अरस्तू ने अपनी जवानी अफलातून दी अकैडमी च कढ़ी। अरस्तू ने अपनी पूरी जिंदगी च 10 लाख तो ज़्यादा अल्फाज लिखे, पर बदकिस्मती दे नाल इंसानी तहजीब नू सिर्फ 20% अल्फाज ही नसीब होए। अरस्तू जिस दौर च पैदा होया उस दौर च यूनान खास तौर पर एथेंस नू इल्मो हिकमत दा घर आख्या जांदा सी। इसलिए अरस्तू नू शुरू तो ही इल्मी माहौल मिलिया सी जिन्हें उन्हूं अपने विच गुम कर लिया। इस तो अलावा अरस्तू दे घर दा माहौल भी इल्मी सी जिन्हें उहदी शख्सियत च होर भी निखार लियांदा। अरस्तू नू अपने उस्ताद अफलातून दे नाल बहुत मुहब्बत सी। यही वजह सी कि अरस्तू ने अपना बहुत सारा वक्त अफलातून दी शागिरदी च कढ़िया। अरस्तू दा जन्म 384 कबले मसीह च होया। अरस्तू दे वालद दा नाम निकोमास सी, जिहड़ा रियासत मैसेडोनिया दे बादशाह दा दरबारी हकीम सी। अरस्तू दी मां दा नाम फीस्टस सी। अरस्तू हले बहुत छोटी उम्र दा सी ते उहदे मां प्यो फौत हो गए। फिर अरस्तू दी परवरिश उहदे बहनोई ने कीती ते अरस्तू दे जवान होण तक उहदा खर्चा चुकिया। जिद्दां कि तुहानूं दस्सिया कि अरस्तू दा प्यो दरबारी हकीम सी, हिकमत ते इल्म अरस्तू नूं विरासत च मिलिया सी, इसलिए वह चीज़ों बड़े गौर नाल वेखता। 367 कबले मसीह जदों अरस्तू 17 साल का होया तो उन्होंने चंगी तालीम हासिल करने यूनान के सब तो इल्म वाले शहर एथेंस कर दिता गया। एथेंस आके अरस्तू ने अफलातून की अकैडमी दाखिला लिया जिड़ी उस वेले यूनान की सब तो वड्डी अकैडमी सी। अफलातून ने अरस्तू नू अपने दिल के करीब रखिया ते अरस्तू भी पूरी लगन के नाल फलसफा ते तिब सिख रहा सी। 20 साल अरस्तू ने अफलातून की शागिरदी च कढ़े। 347 कबले मसीह जदों अफलातून इस दुनिया नू छड़ गया ते अरस्तू उस अकैडमी का हैड बनन का उम्मीदवार सी, पर लोगों ने अरस्तू नू उस अकैडमी का उम्मीदवार हैड नहीं बन दिता क्योंकि उन्हां दा ख्याल यह सी कि जे अरस्तू नू इस अकैडमी का हैड बनाना हुंदा ते अफलातून अपनी पूरी जिंदगी च इहदा नां ते लैंदा। इसलिए लोगों ने मुश्तरका फैसला करके अफलातून दे भतीजे नू अकैडमी का हैड बना दिता। अफलातून की मौत तो बाद अरस्तू ने अपनी अकैडमी बनाने का फैसला किया। उस अकैडमी का नाम लाइसम रखिया। दो यूनानी रियासतों के बादशाह हरमैस ने अरस्तू नू अपने दरबार च मुलाजम रख लिया। अरस्तू वारी वारी दोनों रियासतों च मौजूद रहा। बादशाह ने कुछ ही साल अपनी मूँह बोली बेटी ते भांजी पिथियास नाल अरस्तू की शादी कर दी। जदों बादशाह की रियासत ते ईरानिया का कब्जा होया ते अरस्तू मैसेडोनिया चला गया। अगले 4 साल अरस्तू ने बहुत सारे इलाकों सफ़र किया। वह ना सिर्फ इलम हासिल कर रहा सी बल्कि लोगों भी तालीम ते तरबियत दे रहा सी। अरस्तू ने पौद्या ते जानवरों ते तजर्बे किए। अरस्तू ने उस दौर च साइंसी तजर्बात करके सब नू हैरान कर दिता। अरस्तू ने अपनी अकैडमी लाइसियम च उस दौर के सारे इलमां का मुतालिया कर लिया। अरस्तू ने ना सिर्फ साइंस का बल्कि जियोग्राफिया, फलसफा, मौसम का हाल ते फिजिक्स तो अलावा
सारा जदीद इलम हासिल कर लिया सी। अरस्तू दे अंदर इलम हासिल करन दा एक जनून सी। वो अपने उस्ताद अफलातून ते अफलातून दे उस्ताद सुकरात तो बड़ा ही मुतासिर सी। हालांकि अफलातून ते अरस्तू दे नज़रियात एक दूजे तो बहुत मुख्तलिफ सी, पर अरस्तू ने हमेशा अपने उस्ताद नूं इज्जत ते मान दिता। 343 कबले मसीह मैसेडोनिया दे बादशाह फिलिप ने अरस्तू नूं अपने दरबार च आउण दी दावत दित्ती, क्योंकि अरस्तू वह वाहद बंदा सी जिहड़ा उस दौर दे सारे इलमां तों वाकिफ सी। बादशाह ने अरस्तू नूं अपने दरबार च बुला के अरस्तू नूं अपनी शाही अकैडमी का सरबराह बना दिता। ते नाले अरस्तू नूं इह दरख्वास्त भी कीती कि वह उहदे मुंडे अलैगजेंडर नूं अपनी शागिरदी च लै लवे। जी हाँ, उही अलैगजेंडर जिहड़ा बाद विचों सिकंदर आजम बनिया। अरस्तू ने ना सिर्फ सिकंदर आजम नूं तालीम दित्ती बल्कि पटोलमी ते कालजेंडर नूं भी अपनी शागिरदी च रखिया, जिहड़े बाद विचों दोवें बादशाह भी बने। अरस्तू ने अपनी अकैडमी लाइसम दे नाम तों स्कूल भी खोलिया। अरस्तू दा इह स्कूल 525 कबले मसीह तक चलदा रहा। अरस्तू ने यूनान च दुनिया की सब तो पहली ते वड्डी लाइब्रेरी बनाई। अरस्तू ने स्कूल दे नाल नाल अपना अदबी काम भी पूरा किया। अरस्तू ने अनगिनत मुकालमे लिखे जिहदे बहुत घट टुकड़े सही सलामत ने। अरस्तू ने जो भी लिखिया सारी दुनिया उस तो 2000 साल तक इलम हासिल करती रही। अरस्तू दुनिया का वह वाहद फिलोसफर है जिन्हें तकरीबन सारे अलूम से कुछ ना कुछ जरूर लिखिया। अरस्तू ने थिएटर स्क्रिप्ट भी लिखे। अरस्तू ने अपने मुंतक नाल एक लॉजिकल सिस्टम भी बनाया होया सी। इसलिए अरस्तू की शागिरदी जिहड़ा भी बंदा आउंदा वह पहले उसका लॉजिकल सिस्टम समझदा। अरस्तू के मजहबी कायद बिल्कुल अफलातून के उस्ताद सुकरात वर्गे सी, यानी अरस्तू देवतावां नूं नहीं सी मानदा। अरस्तू दे व्याह तो 10 साल बाद उहदी बीवी इतिहास दी मौत हो गई। इस तो बाद अरस्तू ने एक गुलाम कुड़ी नूं आज़ाद करवा के उहदे नाल व्याह कीता जिहदा नाम हरपिलस सी। इस कुड़ी दा ताल्लुक अरस्तू दे अबाई इलाके स्टैगीरा तो सी। इन्हां दा एक मुंडा भी होया जिहदा नाम अरस्तू ने अपने बाप दे नाम निकोमास ते रखिया। अरस्तू ने अपने सारे फलसफे दा काम भी निकोमास दे नाम तो ही कीता। अरस्तू नूं अपने अकायद दी वजह तो सजाए मौत दी सज़ा सुनाई गई, पर अरस्तू ने ईथन छड्डन दा फैसला कीता ते आखिया कि ओ यूनान नूं होर फलसफे दा नुकसान नहीं दे सकदा ते ओ सुकरात दी तरह जहर दा प्याला भी नहीं पी सकदा। अरस्तू मंतक ते दलील दा बेताज बादशाह सी। अरस्तू ने हमेशा अकली दलील नूं सारियां दलीलां दे उत्ते रखिया। अरस्तू सिकंदर आजम दी मौत तक अपना स्कूल चलांदा रहा। 323 कबले मसीह जदों सिकंदर आजम की अचानक मौत हो गई तो अरस्तू ने यूनान छड़ दिता। यूबिया जजीरे अपनी बाकी जिंदगी कढ़न का फैसला किया। 322 कबले मसीह अरस्तू मैदे के मसले की वजह तो इस जहान में छड़ के चला गया। अरस्तू दी ला तादाद किताबा अज भी अपना ज्ञान वंड रही हैं। नाज़रीन, तुहानू ये प्रोग्राम कैसा लग्या ये तुसीं सानू अपने कमेंट्स में जरूर दस्यो। साढ़े अगले प्रोग्राम तुहानू असी कहानी सुनावांगे सुकरात की।